हेलो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसानों को कितनी खाद मिलेगी, एक सरकार की नई अपडेट है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो चलिए पूरी अपडेट बताते हैं किस प्रकार किसानों को अब खाद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रिकी नंबर वन। तो ट्रिकी नंबर वन की पहचान सही और स्वर्ण ज्ञान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो से आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपको अगली अपडेट मिलती रहे। खाद खरीदते समय नया नियम जारी कर दिया गया है। सरसों, गेहूं, आलू को भी मिलेगी यूरिया और डीएपी, लेकिन कैसे मिलेगी वो सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो आपको बता दें, होम न्यूज़ यहाँ पर खाद खरीदने के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। खाद खरीदते समय नया नियम है, सरसों, गेहूं, आलू के साथ मिलेगी डीएपी यूरिया। किसानों के आलू, गेहूं और सरसों के नियमित जो है मात्रा में खाद मिलेगी, जिससे आगे चलकर इनको इसकी दिक्कत या किल्लत ना झेलनी पड़े। यदि कोई इसकी जो है ब्लैक में बिक्री करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ में आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ है, किसान अक्सर खाद की तंगी होने के चलते परेशान रहते हैं और इसलिए एडवांस में ही इनको खाद खरीदना पड़ता है। तो नतीजा ये है कि दूसरे किसान इसका नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए आगरा में अब किसानों को उनकी फसलों के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे आगरा हो या आगरा का कोई ज़िला हो, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता आगरा। तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए स्पेशल खबर है कि अब आपको गेहूं, सरसों व आलू के लिए मिलेगी खाद, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये सरकार की अपडेट है। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, जो ब्लैक में खाद को जमा करके उसको ब्लैक मनी में बेचते थे, अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कृषि विभाग ने गेहूँ, सरसों व आलू के लिए खाद की उपयोगिता मात्रा तय कर दी है, जो कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। और खाद की ज़्यादा मात्रा खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, वह आगे चलकर फसलों को कम पैदावार करती है, जिसके हिसाब से सरकार एक आंकड़ा देगी और उसी के हिसाब से आपको खाद मिलेगा, ताकि आप ज़्यादा खाद ना डाल सकें। कितनी मिलेगी डीएपी, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताया जा रहा है कि सरसों के लिए 130 किलोग्राम पे डीएपी प्रति हेक्टेयर तय की गई है। आलू के लिए 326 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर तय की गई है। वहीं पर किसानों के गेहूँ के लिए प्रति हेक्टेयर 130 किलोग्राम पर डीएपी मिलेगी। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये सरकारी रिपोर्ट्स है। और खाद का सही इस्तेमाल करना किसानों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि फसलों के बाद जो मिलने वाला लाभ है। तो आप लोग खाद समझ के डालिए और आपको खाद अब बड़े आराम से मिलने वाला है, सरकार का यहाँ पर प्रयास है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, कोई आपका क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।